बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल खबर सामने आती ही रहती है और अब एक बार फिर से ऐसी ही कोई खबर सामने आई है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर मधु मंटेना और डायरेक्टर विकास बहल के घर पर छापा मारा है। आपको बता दें ये सर्च कंडक्ट किया जा रहा है इनके फैंटम फिल्म्स को लेकर, जिसको लेकर टैक्स इवेजन का इल्ज़ाम लगाया गया है। हम आपको बता दें फैंटम फिल्म्स एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कंपनी है जिसे एस्टैब्लिश किया था फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु ने। हाउएवर इस कंपनी को अक्टूबर 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन अब इसी कंपनी से रिलेटेड टैक्स की वजह से इन सभी के घर पर रेड कंडक्ट की गई है। आगे इसको लेकर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, बस इतना ही पता चला है कि इन सब के घर पर रेड फैंटम फिल्म्स से रिलेशन होने की वजह से मारी गई है। आपको बता दें तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों कई मूवीज़ में साथ में काम कर चुके हैं और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से वो दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म दोबारा के लिए शूट कर रहे थे और उसी बीच ये सब हुआ। आपको बता दें इन चारों के अलावा भी मुंबई की 20 लोकेशंस पर ये रेड कंडक्ट की गई है। देखना ये होगा कि अब इस रेड से तापसी और अनुराग की फ्रेंडशिप पर या फिर इस फिल्म पर कोई असर पड़ता है या नहीं।